हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग दुनिया के रसमई फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन। क्या आप जानते हैं इंसान के शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, एक शोध से पता चला कि कुछ दवाइयां खाने के बाद अगर आप अंगूर खा लेते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है, जो कि बहुत डेंजरस है। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे कम चर्बी वाला अंग है, जो कि आमतौर पर ये सिर्फ 60% वसा से बना होता है। फैक्ट नंबर फोर। दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। फैक्ट नंबर फाइव। दोस्तों, क्या आपको पता है यूट्यूब जो है 3 देश में बैन है। जी हाँ दोस्तों, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया में यूट्यूब पूरी तरीके से बैन है। फैक्ट नंबर सिक्स। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि राइट हैंडेड लोग लेफ्ट हैंडेड लोगों से 9 साल ज़्यादा जीते हैं। क्या ये सही है, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। फैक्ट नंबर सेवन। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी पर अब तक की सबसे तेज़ हवा का रिकॉर्ड 253 मील प्रति घंटा दर्ज किया गया था। फैक्ट नंबर एट। दोस्तों, जिस प्रकार प्यार को शो करने के लिए रेड हॉट यानी कि लाल दिल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार ट्रस्ट को शो करने के लिए ब्लू हॉट यानी कि नीले दिल को शो किया जाता है। फैक्ट नंबर नाइन। तो आमतौर पे कौवे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन क्या आपको पता है कौवा भूटान देश का राष्ट्र पक्षी है। फैक्ट नंबर टेन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, पर क्या आप जानते हैं कमल का जो फूल होता है वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आप लोगों को जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।